हेलो गाइस, मैं हर्ष और आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं हेलमेट को हम कैसे साफ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ग्लास में येलोनेस काफ़ी आ गई है, ये पूरा गंदा हो गया है, तो हम इसको अच्छे से पूरा साफ करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको साफ करना है। इसका कांच भी अच्छे से बिल्कुल साफ हो जाएगा, जैसे कि गंदा दिखता है। क्या होता है जब रात में गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा शटर आ जाता है, इस कांच से आपको देखना मुश्किल हो जाता है, तो आपको ऊपर चलाना पड़ता है। तो इसको कैसे साफ करना है हम बताते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको धो लेना होगा, तो मैं धो करके आता हूँ। तो हमने हेलमेट को धो लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक ये साफ हो गया। इसके ऊपर की जो एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह थी वो सब साफ हो चुकी है। तो धोते टाइम को कुछ चीज़ों का जैसे ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर आप धो रहे हैं डिटर्जेंट से धो रहे हैं तो आप पीछे के हिस्से को बस धोइए, अगर आपको ग्लास धोना है तो प्लीज़ उसके लिए शैम्पू यूज़ करिए। वैसे तो मैं पूरा शैम्पू से ही मैंने साफ किया इसको, तो शैम्पू के सामने धोइए जिससे कि इसमें एक्स्ट्रा कुछ निशान वगैरह नहीं आएगा। लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें काफ़ी स्क्रैच वगैरह हैं जो कि अभी अपन साफ कर देंगे। तो अपना हेलमेट काफ़ी हद तक धुल करके सूख चुका है, तो अब मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि अब आप इसको कैसे सही से इसके स्क्रैचेस वगैरह हटाएंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं शीबा की है बॉडी पॉलिश, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको ये डैशबोर्ड पॉलिश नहीं लेनी है, बॉडी पॉलिश लेनी है, क्योंकि सेम पैकिंग में डैशबोर्ड पॉलिश भी आती है, एक दो और पॉलिश आती है और ये बॉडी आती है। तो आपको बॉडी पॉलिश लेनी जो कि आपको 10-15 रुपये में इजिली मिल जाएगी, और आप एक पॉलिश से इजिली अपनी गाड़ी को 1 से 2 बार पॉलिश कर सकते हैं। 2 बार वैसे मैं कर लेता हूँ पॉलिश, तो अपन इसमें भी सेम ही चीज़ यूज़ ही करेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये थोड़ी सी पॉलिश इसको ऐसे लेनी है आपको एंड इस पर अप्लाई कर देनी है। एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, हेलमेट का मेरे ढीला हो चुका है, तो आपको इसको अप्लाई कर देनी है। और इसको अप्लाई करने के बाद अपन को 5 मिनट इसको छोड़ना पड़ेगा, जिसमें कि ये अच्छे से सूख जाए, और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कैसे साफ़ करना होगा इसको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पूरे सरफेस पे इसके पॉलिश अप्लाई कर दिया है, जैसे कि मैंने सामने ग्लास के ऊपर भी अप्लाई किया है, नीचे साइड से भी अप्लाई कर दिया, वैसे ही पूरे बॉडी पे अप्लाई कर दिया है। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान देनी होगी, तो पॉलिश जब आप करेंगे तो पॉलिश की एक लेयर अप्लाई करेंगे, तो सरफेस गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, और हमको इसको 5 से 10 मिनट छोड़ना पड़ेगा जिसमें पॉलिश अच्छे से सूख जाए, वरना अगर नहीं सूखेगी तो बराबर शाइन नहीं आएगी और ये कांच साफ़ नहीं होगा। तो अब मैं इसको आपको साफ़ करके दिखा देता हूँ। तो आपको ऐसे कुछ गंदा कपड़ा ले लेना होगा एंड इसको सर्कुलर मोशन में आपको ऐसे साफ़ करना होगा। एक सेकेंड मैं इसको कर रहा हूँ। ये सर्कुलर मोशन में इसको साफ़ करना है, वरना आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और आपको ज़्यादा तेज़ी से इसको रब भी नहीं करना, वरना जहाँ पे स्क्रैच नहीं होगा डेंट नहीं होगा वहाँ भी आ जाएगा। और इसको ऐसे आप साफ़ कर लें, तो मैं थोड़ा सा सरफेस का दिखाता हूँ यहाँ पे, वो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा, पूरा डेंट क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर व्यू मिलेगा। ये देखो जैसे यहाँ पे काफ़ी शाइनिंग आ गई, पूरा एकदम अच्छे से दिख रहा है। मैं पूरा साफ़ करके आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे कि आप देख रहे हैं हेलमेट पूरा अपना साफ हो चुका है, आप साइड से देख लीजिए एकदम बढ़िया से शाइन आ गई, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। इधर से भी देख लीजिए, पीछे से भी काफ़ी साफ हो गया है। और इसका सबसे पहले आप ग्लास देखिए, ये ग्लास देखिए एकदम पूरा क्लियर कट आपको व्यू मिलेगा, एकदम साफ हो चुका है। इसको हमने अंदर से भी पॉलिश लगाया था एंड बाहर से भी पॉलिश लगाया था, अंदर बाहर दोनों साइड से, तो अच्छे से पॉलिश हो चुका है। इसमें जो कुछ मेजर जो स्क्रैचेस हैं वो सही से नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा। और मैं एक सेकेंड आपको फ्लैश लाइट ऑन करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा एकदम क्लियर आपको अंदर का व्यू मिल रहा है। अगर आप साइड से देखेंगे तो साइड से भी आपको क्लियर व्यू ही मिलेगा, ये देखिए। तो अपन को ऐसा साफ़ करना है एंड आपको कुछ ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको ग्लास में ज़्यादा रब नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, और इसको सर्कुलर मोशन में आपको अप्लाई करना है। शीबा की बॉडी पॉलिश यूज़ करनी है और शैम्पू यूज़ करना है अच्छे से, और हाथ से यूज़ करना है, कोई आप ब्रश वगैरह मत लेना, कपड़ा मत लेना, ले सकते हो कपड़ा बाकी हाथ से धोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना वीडियो को, क्योंकि हम ऐसे ही कई सारे वीडियोस लाते रहते हैं, हेलमेट हो गया, गाड़ी हो गई, फ़ोन्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, हर चीज़ के बारे में, इवन हम प्लांटेशन तक का वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।